The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के लिए चिंतित हैं अगर आप, तो ऐसे फूड प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे जो एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं. फूड दैट वी कैन ईट टू एक्चुअली लोअर योर कोलेस्ट्रॉल, रिड्यूस हाई एलडीएल लेवल्स, इंक्रीज लो एचडीएल लेवल्स. तो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करना, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना, ऐसे कोई फूड्स हैं. जी हाँ, ऐसे कई फूड्स की प्रॉपर्टी हैं और क्या प्रॉपर्टी हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो इन फूड्स को अपने खाने पीने में डालिए, आपको फ़ायदा होगा. नंबर वन फूड जो इसमें आता है वो आता है आपका ओट्स. जी हाँ, ओट्स है. ओट्स वैसे नंबर वन, इसका कोई नंबर नहीं लेंगे बट ये सारे लिस्ट में है. सो ओट्स एक ऐसे फूड है, फूड प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक तरीके से हाई इन फाइबर हैं. जब एक हाई सॉल्युबल फाइबर वाला फूड आप खाते हैं, यानी उसके साथ में आप बनाना डाल सकते हैं, उसमें स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं, और इनसे क्या होगा, और ओट्स में फ्रूट्स प्लस यू कैन ईट सम दही विथ इट, प्रोबायोटिक हो जाता है. सो दीज आर ऑल गुड थिंग्स. और मिल्क भी ले सकते हैं इसके साथ, अब एज यूजुअल ओट्स में. सो ओट्स विथ दिस इज़ गुड न्यूट्रिशन, गुड अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, हाई इन फाइबर, तो इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम होता है. फास्ट एब्जॉर्बिंग अगर आप कार्ब्स खाएंगे, पराठे वराठे खाओगे, तो उससे तो ज़्यादा फ़ायदा इससे होगा. फिर जैसे कोई गेहूं नहीं खाना है तो आप खा सकते हैं बार्ली, आप खा सकते हैं कोई भी होल ग्रेन, राइट. जो भी आप रागी, ब्रान, बार्ली, ये सब में क्या होता है, थोड़ा दीज आर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, तो ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होती हैं, मोटापा कम करती हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं. फिर देर आर नट्स, जितने भी सारे आपके नट्स हैं, जितने भी आपके जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो आपने खाना चाहिए. एक कम से कम एक सर्विंग दिन में एक बार, ठीक है, जो मान लीजिए 50 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, एक मुट्ठी, जितना आपको खाना है एक ग्राम खा सकते हैं एक बार, और ये आपको रखना चाहिए अपने डाइट में. फोर्थ चीज़ है, आप ये खा सकते हो एग प्लांट, ओकरा, ये भी एक अच्छा सॉल्युबल फाइबर रिच फूड है. उसके बाद वेजिटेबल ऑयल्स आप लीजिए इंस्टेड ऑफ सैचुरेटेड ऑयल. सैचुरेटेड ऑयल की जगह आप कैनोला ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, या ऑयल, या राइस ब्रान ऑयल, इनको यूज़ करना शुरू करें. फिर आपने क्या करना है, फूड एप्पल्स, सॉरी एप्पल, ग्रेप, स्ट्रॉबेरी, सिट्रस फ्रूट, ये बहुत ज़रूरी. एप्पल, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी एंड सिट्रस फ्रूट्स, दीज आर रिच इन पेक्टिन, दिस इज़ अ टाइप ऑफ सॉल्युबल फाइबर जो भी लोअर करता है आपका एलडीएल लेवल्स. सो एलडीएल लेवल कम करेंगे फ्रूट्स, तो ढेर सारे फ्रूट खाने हैं आपने, और बहुत सारा खाना है आपने सैलड. सैलड भी बहुत सारा खाना बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा आपको फोर्टिफाइड फूड खा सकते हैं विथ स्टीरॉल्स एंड स्टेनॉल्स. स्टीरॉल्स एंड स्टेनॉल्स ये भी अगेन प्लांट के गम से बनते हैं, प्लांट गम से, जिसमें भी कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्श को खाने से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो खाने को बेसिकली उसका एब्जॉर्प्शन रोकते हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग. सोया प्रोडक्ट्स लेना है, सोया प्रोडक्ट, सोयाबीन, अगेन उससे बना हुआ फूड, टोफू, सोया मिल्क, ये भी एक अच्छा हाई प्रोटीन और इसमें एक अच्छा तरीका है कोलेस्ट्रॉल कम करने का, जिसमें कि एक नॉर्मल मात्रा में भी अगर आप लेंगे 25 ग्राम, 50 ग्राम, तो बहुत अच्छा रहेगा. फिर फैटी फिशेस आप खाएं. फैटी फिशेस में ओमेगा 3 होता है. ओमेगा 3 एलडीएल लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में बहुत फ़ायदा करता है. इसमें हमने जैसे हमेशा बताया है, फैटी फिशेस में ओमेगा 3 में ईपीए और डीएचए आपको देखना है. अगर कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं ओमेगा 3 का, तो उसमें भी ईपीए और डीएचए की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए. सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट उसका ये है. ओमेगा 3, ओमेगा 6 अगर हो है, तो ओमेगा 3, ओमेगा 6 का आपके पूरी बॉडी, पूरे बॉडी के अंदर रेशियो 1:2 होना चाहिए. 1 ओमेगा 3 है तो 2 ओमेगा 6 तक रह सकता है. उसके बाद आप अलग से सप्लीमेंट्स ले सकते हैं. सॉल्युबल फाइबर सप्लीमेंट्स आते हैं जैसे कि इसबगोल, साइलम, ये सारे आपको अगेन ये भी मदद करते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने में.
सो अल्टीमेटली एक हेल्दी डाइट आपको रखनी है, हाई फाइबर डाइट रखनी है, पानी खूब सारा पीना है, आप हेल्दी हेल्दी प्रोटीन खा सकते हो, हेल्दी फैट खा सकते हो, आप इंजॉय कर सकते हो लाइफ, मना नहीं है आपको. एक्सरसाइज अ लॉट एंड लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, ऐसा रिसर्च में भी पाया गया है. सैलेड अगर आप आधा किलो या अपने वजन के 10 टाइम्स लेस करके, अगर 70 किलो वजन है तो आप 700 ग्राम्स, और अगर 60 किलो वजन है तो 600 ग्राम्स, अगर ऐसा 10 टाइम्स करके. सो अगर 50 केजी वजन है, जैसे 100 केजी वजन है तो 1 केजी आपने सैलेड रोज़ खाएंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा, वज़न भी कम होगा, डायबिटीज़ भी कम होगी, शुगर भी कम होगी. तो यस इट इज़ ट्रू, कम होगी, डज नॉट मीन इरेडिकेट हो जाएगी, यू माइट नीड मेडिसिन ऑल्सो. तो याद रखिए, अपनी बीमारियों को मॉनिटर करना ना छोड़ें, मगर डाइट बहुत अच्छी चीज़ होती है, डाइट हमेशा करनी है, प्रोटीन का ख्याल रखना है. इंडिया के अंदर वैसे ही मैक्सिमम पीपल आर वेरी मच लेस इन प्रोटीन. आजकल में ही 2-3 फ़ोन आए हैं मुझे कि वो सिर्फ फ्रूट्स वाली डाइट ले रहे थे और पूरे के पूरे कंधे, पूरे के पूरे बम्स, पूरे के पूरे थाई मसल सारे सिकुड़ गए हैं, और उसके चलते लिटरली उनको दर्द होने लगा है बैठने में. सो दैट इज़ अ वेरी वेरी यू नो बैड सिचुएशन विच यू डोंट वॉन्ट टू बी इन. उनका वजन मात्र 56 kg है लेकिन फिर भी पेट है. सो क्यों? क्योंकि उनकी मसल सारी कम हो गई और फैट वैसे का वैसे है. यू नीड योर मसल्स, यू नीड एक्सरसाइज, यू नीड हाई प्रोटीन डाइट. याद रखिए, वेजिटेबल फ्रूट्स भी ज़रूर खाने हैं, हाई प्रोटीन डाइट भी ज़रूर खाना है. सो इसीलिए इस टॉपिक पे हमको बात करनी थी. बहुत फेमस फेमस डाइट्स हैं दुनिया में जो बताते हैं आपको सिर्फ फ्रूट्स लो, सिर्फ वेजिटेबल लो, लेकिन वो एक कंप्लीट डाइट नहीं है. फिर उसमें बात आती है कि भाई आप दूसरे चीज़ें भी खा सकते हो, आप सोया भी खा सकते हो, लेकिन कितने लोग खाते हैं? आपको लिटरली हर एक मील में, हर एक फूड, जब भी आप खाना खाते हो उसमें 20 या 30 अगर मेल है, या 10 या 20 अगर फीमेल है, ग्राम प्रोटीन का फूड होना चाहिए, प्रॉपर प्रोटीन. अगर आप 20 ग्राम 30 ग्राम प्रोटीन हो तो मतलब आपको 60 ग्राम सोया खाना पड़ेगा, आपको उसके लिए 500 ml दूध पीना पड़ेगा, आपको उसके लिए 1.5 किलो दाल खानी होगी. सो इट्स अ ह्यूज थिंग. 1 किलो 1.5 किलो दाल नहीं खा सकते आप एकमात्र प्रोटीन लेने के लिए. तो प्रोटीन पूरा करना इतना आसान नहीं है. सो याद रखिए, प्रोटीन पे कॉन्सेंट्रेट करें. 100 ग्राम दाल में, किसी भी दाल में अप्रॉक्सीमेट 14 से 18 ग्राम प्रोटीन है बस दाल में, 100 ग्राम दाल में. सो 14 ग्राम दाल में 18 ग्राम प्रोटीन है, तो आपको 200 ग्राम दाल खानी पड़ेगी. 200 ग्राम कच्ची दाल को पका के फिर खाना पड़ेगा एक बार में, तब जाके एक बार का प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा होगा. सोचिए, फिर रोटी कहाँ है? रोटी में सिर्फ 6 to 7 grams प्रोटीन है बस. सो 100 ग्राम रोटी आटा, 100 ग्राम आटे का कितनी सारी रोटियां बन जाएगी? उतनी सारी रोटियां खा के भी सिर्फ 7 ग्राम प्रोटीन मिलेगी, और आपको प्रोटीन चाहिए था 20 से 30 ग्राम, 20 ग्राम मान लो चलो एक बार में. सो दैट इज़ हाउ प्रोटीन पूरा नहीं हो पाता काफ़ी लोगों का, सोच के भी. सिर्फ एक हाई प्रोटीन दाल खा ली, चना खा ली है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोटीन पूरा हो गया. सो यू नीड मोर प्रोटीन्स, गेट मोर प्रोटीन. सो दैट्स ऑल, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्रोटीन पे ध्यान दीजिए, थोड़ा साइड ट्रैक हो गए. डाइटरी फाइबर बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है. कोलेस्ट्रॉल का यूज़ होता है, याद रखिए, स्टेरॉइड्स बनाने में. तो अगर आपके बॉडी में यूज़ होगा, इस्तेमाल होगा, ज़रूरत होगी तो स्टेरॉइड बनेंगे. अगर आपके बॉडी में ज़रूरत ही नहीं है तो स्टेरॉइड क्यों बनेंगे? तो आप एक्सरसाइज ही नहीं करोगे, स्टेरॉइड बनेंगे नहीं, तो यूज़ कैसे होगा? कोलेस्ट्रॉल घूमता रहेगा, जमा होगा, इकट्ठा होगा, और कुछ नहीं होगा. सो यूज़ योर कोलेस्ट्रॉल टू मेक स्टेरॉइड्स. यूज़ योर लेग्स. Your legs, your big, big muscles are the biggest muscles of the body and they have the most power, and use them to exercise. Squat ज़रूर करिए, right? अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो गई नहीं कर सकते हैं तो बेड पे लेटे लेटे एक्सरसाइज करिए, पैर ऊपर करके साइकिलिंग करिए, वॉट एवर यू आर एबल टू डू दैट. बट एक्सरसाइज, अ लॉट ऑफ फाइबर, अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड हेल्दी डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कंप्लीटिंग योर प्रोटीन्स इज इम्पॉर्टेंट. थैंक यू सो मच, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. अगर आपको कोई भी सवाल है कोलेस्ट्रॉल के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में, तो आप मेरे नाम डाल के ढूंढ सकते हैं डॉक्टर एजुकेशन बाय वट एवर द टॉपिक इज, टॉपिक बाय डॉक्टर एजुकेशन. आप सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाना चाहिए वीडियो. और अगर नहीं मिला है तो आप कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो बनाने की. थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी.